हेलो गाइस, सो फाइनली आप लोगों ने अभी देखा होगा कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप सक्सेसफुली लॉन्च द 5G टेक्नोलॉजी। अमेरिका की जो दो मेजर कंपनीज हैं, ठीक है, जो भी टेलीकॉम आईटी कंपनीज हैं, उन्होंने सक्सेसफुली 5G लॉन्च कर दिया है। लॉन्च करने के बाद ही जो एरोप्लेन्स उड़ रहे हैं उसके अंदर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहा है। अभी न्यूज वगैरह में ट्रेंडिंग में चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि 5G की वजह से एयर इंडिया, इंडिगो एयरलाइंस एंड विस्तारा, जेट, वर्जिन, जितने भी एयरलाइंस हैं, जो भी आउट ऑफ अदर ऑफ अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से अंदर आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं, सारे के सारे रद्द कर दिए गए हैं। सारी की सारी फ्लाइटें रद्द कर दी गई है। आई एम एरोस्पेस इंजीनियर। आज हम बात करेंगे आखिरकार क्या होता है इसके अंदर सिस्टम, कैसे 5G टेक्नोलॉजी इसको इम्पेक्ट कर रही है, ठीक है। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आखिरकार एरोप्लेन के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या हमें 5G को नहीं लाना चाहिए? क्या हमें 5G कैंसिल करना पड़ेगा? जैसे अमेरिका के अंदर वो तो हिम्मत वाले हैं, वो तो कर लेते हैं भैया, लेकिन क्या इंडिया वालों में कहाँ इतनी हिम्मत है? इंडिया वालों को इतना सा पता चलता है, तो अभी भी जो भी बिहार के लोग है वो तो कहने लग गए, भैया ये तो प्रकृति का कमाल हो गया, भगवान ने मना कर दिया, गॉड का कमाल है ये तो, हमें तो लाना ही नहीं है 5G, ठीक है। टेक्नोलॉजी का उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितनी लिमिट हो, अगर लिमिट हद से ज्यादा जाओगे तो नुकसान होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, ठीक है। तो इसका क्या है सारा माजना देख लेते हैं आज अपन, सारा का सारा सिस्टम। तो यार आपने सुना होगा, पहले हमारे पास 1G टेक्नोलॉजी थी इंटरनेट में, बाद में 2G आई, बाद में 3G आई, बाद में 4G आई, अभी फाइनली 5G आ चुकी है। सो 4G और 5G में अगर बेसिकली मैं डिफरेंस बताऊं तो आप मान सकते हो 4G और 5G में 100% तक का डिफरेंस है, ठीक है। एटलीस्ट आपकी जो MB अभी अगर 10 चल रही थी, तो उस 5G आने के बाद आपकी एटलीस्ट 110, 120, 150, 200 तक MB यहाँ चलेगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्या रहा सारा सिस्टम है, और एरोप्लेन के अंदर क्या सिस्टम है, इसका क्या होता है। मैंने तो बेसिकली एरोप्लेन को देखा है, तो उसके अंदर आपको बता देता हूँ आसानी से कि क्या हो रहा है, इससे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। तो पहले आप थोड़ा वीडियो वॉच करो एरोप्लेन का। तो इसके अंदर ऐसा क्या होता है ना कि जो भी व्यूवर्स हैं वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जो हमारा एरोप्लेन्स होता है उसके अंदर एक ऑप्शन होता है सी बीट, राइट। और जो हमारी जो एरोप्लेन्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है जिसके ऊपर अल्टीमेटली जो वर्क करता है, वो करता है 3.72, 3.3 या 4, तो मान लो आप 7.4 ऐसे कुछ, इतनी फ्रिक्वेंसी, रेडियो फ्रिक्वेंसी पे वो वर्क करता है, ठीक है। और हमारे जो 5G टेक्नोलॉजी आ रही है उसका जो सिग्नल बूस्टिंग है, ठीक है, हमारे अभी जो इंडिया के अंदर होती है, रिलायंस है, जियो है, और अदर अदर जैसे BSNL, आइडिया, मोबाइल फोन जितने भी होती है, ठीक है, वो एटलीस्ट उसकी बहुत ही कम पावर होती है, तो वो किसी को इम्पेक्ट नहीं करता। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है ना कि उसकी फ्रिक्वेंसी और जो हमारा जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है, जैसे जो भी वहां पे टेलीकॉम इंडस्ट्री दे रही है उनको, सेम वर्क कर रही है, ठीक है। जो भी हमारा एरोप्लेन होता है वो जब उड़ता है ना, या फिर नीचे उतरता है, लैंडिंग करता है, तो उसको जो है पायलट को जो है सिग्नल के जरिए उतारता है उसको ऊपर नीचे, ठीक है। वो मतलब अपने गाड़ियों की तरह देख के नहीं उतारता, पॉइंटों के हिसाब से उतारता है कि अब इतने पॉइंट पे यहाँ पे ऐसे करना है, इस पॉइंट पे ऐसे करना है। जो वो सारा जो सिग्नल होता है ATC से जो कनेक्ट होते हैं, एयरक्राफ्ट कंट्रोलर रूम आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे लगा होता है, तो वो जो वर्क करता है वो करता है 3 पॉइंट कुछ से 7.4 तक। तो सेम टू सेम फ्रिक्वेंसी पर जो हमारा 5G टेक्नोलॉजी वाला काम कर रहा है, तो डायरेक्टली जो जैसे एयरक्राफ्ट लैंडिंग करता है, तो जो भी आती है ना, चाहे हमारी जो 5G वाली है और एरोप्लेन वाली है, दोनों आके टक्कर होती है। जैसे ही टक्कर होती है तो एरोप्लेन जो है सक्सेसफुली लैंडिंग नहीं कर पाता या फिर टेक ऑफ नहीं कर पाता, ठीक है। और कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, न्यूज वाले इसको बहुत ही बड़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं ताकि देश का विकास ना हो और 5G टेक्नोलॉजी ना आए। लेकिन हम ऐसा
बिल्कुल होने नहीं देंगे। हे कमांड, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, 5G ला कर रहेंगे। ठीक है, आज की आपकी मेरी कंडीशन बता रहा हूँ, आज से मैंने 5-6 महीने पहले मोबाइल परचेज किया है 5G का, अभी तक मेरी सिम नहीं आई है, मैं बहुत परेशान हूँ। आप इसको जो है पहुँचाइए संदेश को, हमारे जो भी माननीय सर है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी साहब की, जो है कमल किशोर सैनी जी का मोबाइल पुराना होने जा रहा है 5G का, तब अगर मेरी सिम नहीं आई 5G की और आप लोग मेरे को सब्सक्राइब करते हो नहीं, पैसे वैसे मेरे पास आते नहीं है, मैं बुरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। ठीक है, बहुत मैंने लाखों रुपए लगाए हैं मोबाइल लेने के लिए और अभी तक 5G का सिम नहीं आया है और मेरा मोबाइल ऐसे ही बेचारा पुराना हो जाएगा 4G सिम के अंदर ही। तो मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इंडिया के अंदर 5G आए और मैं 5G की सिम परचेज कर सकूँ। ठीक है, तो ये सारा सीन था कि वो जो है उसके अंदर बछिड़का रहा है एरोप्लेन से वो। तो अब क्या करना चाहिए इसके लिए, जो भी इंडस्ट्री है एविनेशन इंडस्ट्री, तो यार मेजरली सबको पता है कोविड ओमिक्रोन बहुत ज्यादा फैल रहा है, जो भी हमारे कार्गो होते हैं, वैक्सीन होती हैं, सबके सब एरोप्लेन सप्लाई करती हैं, सभी को पता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक विकसित देश है जहाँ से सब कुछ इम्पोर्ट होता है, आयात होता है, निर्यात होता है। अब अगर वहां पे अगर एरोप्लेन अगर बंद हो जाए तो कैसे हो सकता है, इंडिया जैसे देश में अगर बंद हो जाए तो चलेगा? ठीक है, यहाँ से कुछ आता जाता है नहीं, ओके, आता ही है जाता नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इंडिया से अगर कुछ बंद हो जाता है तो सभी को पता है प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो जितने भी एविनेशन इंडस्ट्री है, जो भी हमारी एयर इंडिया है, इसने ट्वीट किया था कि हम जो है यूएसए जाने वाली सारी फ्लाइट्स रद्द कर दी है, तो एविनेशन इंडस्ट्री ने जो भी वहाँ का डिपार्टमेंट है उनसे रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज आप लोग जो है हमको जो है ये हमारा जो भी एयरपोर्ट होता है ATC होता है उसके 2 मील तक आप इस टेक्नोलॉजी को ना लाइए, जिससे कि जो है ये यूज प्रभाव ना पड़े और सक्सेसफुली एरोप्लेन वगैरह उड़ता रहे, वरना तो इसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और इसको देखते हैं अगर ये लोग कुछ करते हैं तो बेसिकली अभी तो कुछ इसके अंदर ही कुछ किया जा सकता है, इम्प्लीमेंट्स जैसे 5G टेक्नोलॉजी है, इसकी फ्रिक्वेंसी को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अगर वो 3.42 इस पर कुछ वर्क कर रही है, अगर कुछ पॉसिबल हो सके तो इस फ्रिक्वेंसी को चेंज करके इसका सोल्यूशन किया जा सकता है। खैर, ये काम साइंटिस्टों का है और हाँ, ऐसा कोई आज तक काम पैदा नहीं हुआ जो साइंटिस्टों ने किया ना हो, और इसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा। तो आप लोग भगवान को दोष ना दे कि एटलीस्ट ये प्रकृति का कमाल है, इंसानों पे आपत आ गई है, पृथ्वी पे संकट आ गया, ऐसा कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, और एरोप्लेन ऐसे ही उड़ेगा, 5G आएगा इंडिया के अंदर, मेरा मोबाइल जब तक पुराना नहीं होता तब तक आ जाए तो ठीक है। थैंक यू सो मच, ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, ओके।